हॉस्पिटल के सामने खड़े होके फूफू कर रहा है। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की है? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हसमत, 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। You know I'm somn, yarmayan torg, nam sabo, shidin ovri ausis bo, you know samo. You know I'm somn, yarmayan torg, nam sabo, shidin रोमेनिया के पास ट्रांसिल्वेनिया के इस विशाल महल में
आज भी ड्रैकुला रहता है ऐसा लोगों का मानना है। शैतान ड्रैकुला नाम का एक भयानक महाराजा जो मर कर भी अमर है, जो मनुष्यों का खून पीकर जी रहा था। अंधेरे का राजा, मतलब लोग उन्हें प्यार से इस नाम से बुलाते थे। ये इस भयानक खूनी पिशाच की कहानी है जो लोगों में बहुत प्रसिद्ध है। रोमेनिया में मंत्र तंत्र विद्या के महान बिशप ने अपने दैवीय शक्ति से उस भयानक खूनी पिशाच को इस महल से निकाल दिया। उस शैतान ड्रैकुला का महल आजकल लोगों के लिए आकर्षण बन चुका है। ये तो बहुत ही अच्छा अनुभव है। इस दुनिया को डराने वाले उस खूनी पिशाच के महल को देखने में मुझे सच में बहुत मजा आया। तुम तो खुश हो ना? हाँ, बहुत खुश हूँ मैं। तो अब तुम इस पर बुक लिखने वाले हो? देखो, ये ड्रैकुला है तो बड़ा शैतान, मगर रोमेनिया के लोगों का वो हीरो बन गया है। Am I right, guard? क्या बोले? मैंने कहा ड्रैकुला तो एक हीरो है। हाँ, हाँ, हाँ। वो हमारे लिए भगवान और पिशाच दोनों है। ओके, थैंक यू, वेलकम। तुम उस अंधेरे कमरे में इतनी देर तक कर क्या रहे थे? मैं तो बाहर खड़े खड़े बोर हो गई। सॉरी लूसी, मैंने उस ड्रैकुला को एक बार बंदी बनाने की कोशिश की थी। तो आखिर में हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। उस गार्ड ने बताया था ना, यहाँ के महान बिशप ने उस ड्रैकुला का अंत कर दिया है। ये सच है क्या रॉय? ये सच है या झूठ मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स मिल रहे हैं। फिर भी हम लोग यहाँ एक दिन और रुक रहे हैं ना, तो हम यहाँ कल एक बार फिर आते हैं। ओ माय गॉड, कल तुम फिर से यहाँ आने वाले हो? मैं नहीं आऊंगी बाबा। तो ठीक है, कल तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। कल तुम रूम में रहकर सारा सामान पैक कर देना। परसों हमें यहाँ से जाना है ना। ये ड्रैकुला हजारों सालों तक जिया है ऐसा यहाँ के गार्ड ने बताया था, वही जानना है मुझे। Is it? कल मैं उसके बारे में जान के ही रहूंगा। ये तो बड़ी गहरी नींद में लग रहा है। इसे जब भी मौका मिलता है सो जाता है। हेलो, क्या हुआ, नींद आ गई? सॉरी सर, सुबह से बहुत थक गया हूँ सर, इसलिए। यही तो हिंदुस्तानियों की खास बात है, जब भी हम विदेश आते हैं दिन रात एक करके पैसे कमाने के लिए मेहनत करते हैं। गांव में रहने वाले पैसे नहीं कमा सकते। मजाक कर रहा हूँ, दिल पे मत लेना। ठीक है सर, बैठ जाइए। दक्षिणायणी नमः, ओम शिप्र प्रसादेणी नमः। ओम भद्रकाली, माँ जी, इसे पीड़ित करने वाला शैतान जा चुका है, अब आप इसे यहाँ से ले जा सकती हैं। अर्जेंट कॉल है, विदेश से। विदेश से? बोला तो ऐसा ही है। हाँ, इस वेदी को दोबारा सजा कर दिए जला दो और दूसरे लोगों को बुलाओ। जी, ठीक है गुरुजी। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं रॉय। ओह रॉय, काफी देर से आपको ट्राई कर रहा था लेकिन लाइन नहीं मिल रही थी। हाँ बताओ क्या बात है। गुरुजी मैं अभी रोमेनिया से बोल रहा हूँ। रोमेनिया से? पर हनीमून के लिए तो तुम इंग्लैंड जाने वाले थे ना? हाँ गुरुजी, लेकिन बात यह है कि हमारा रोमेनिया आने का मन कर रहा था। उस ड्रैकुला के महल को देखने की मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी। अच्छी बात है, वैसे तुम तो हर साल विदेश यात्रा के लिए जाते रहते हो। वैसे देखा जाए तो विदेश यात्रा करना बहुत अच्छी बात है, दूसरे देशों की संस्कृति रहन सहन के बारे में पता चलता है। वैसे ये बताओ अभी तुमने फोन क्यों किया है? गुरुजी, अपने देश में मंत्र विधि से आवाहन करने का तरीका होता है ना, तो उससे हम किसी भी देश में किसी भी दुष्ट आत्मा का आवाहन कर सकते हैं। हाँ, विदेश जाने के बाद भी आत्माओं और मंत्रों के ऊपर तुम्हारा इंटरेस्ट जो था वो बना हुआ है। गुरुजी ये सब मैंने आपसे ही तो सीखा है, तो कैसे भूल सकता हूँ। जानकर खुशी हुई, आह्वान के लिए कोई चुनी हुई जगह, आत्मा की भाषा कोई समस्या नहीं है। हमारे मंत्र बहुत शक्तिशाली होते हैं, दुष्ट आत्माओं के आह्वान के समय क्रियाओं को पूरी तरह से करना चाहिए। तांत्रिक मंत्र शक्ति के डर से उस दुष्ट आत्मा को बाहर आना ही पड़ता है। ये बताओ रोमेनिया की किसी आत्मा का आह्वान करने वाले हो? हाँ, मैं एक बार ट्राई करना चाहता हूँ। ठीक है ठीक है, ट्राई करो, लौट कर मिलना, रखता हूँ। ये एक समय मेरे पास तंत्र विद्या सीखा करता था, रॉय। शादी होते ही हम दोनों तुरंत हनीमून मनाने के लिए आ गए, मगर एक बेचारा 15-20 दिनों से अपनी बीवी को छू भी नहीं पा रहा है, इस बात का किसी को एहसास है क्या? हाँ, उसके लिए बस एक दिन और रुकना पड़ेगा। आज मेरे व्रत का आखिरी दिन है, कल सुबह ईस्टर है। कल से हमारा हनीमून शुरू होगा। जरा वो दिखाना।
Yeah, that's good. Okay, I'll take this. मुझे लेट तो नहीं हुआ? अरे नहीं, रॉय को ड्रॉप किया क्या? सर को ड्रॉप करने के पहले हम कहीं और गए थे। तो फिर और कहाँ गए थे? उसके पहले उन्हें पूजा का सामान लेना था। मैं उन्हें अपनी जान पहचान के पुजारी के पास ले गया। पूजा की थाली, दिया, लोटा, रंगोली, अगरबत्ती ये सब दिलवाया। वो पुजारी कस्टम में काम करता है, बहुत बड़ा भक्त है। पूजा कब खत्म होगी? आपकी शॉपिंग खत्म होते ही होटल में ड्रॉप करना है। बहुत घने बादल हैं। हाँ। किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। ऐसा ही लगता है। गुड मॉर्निंग दोस्त। समझ में नहीं आ रहा कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। हाँ, ये वही कमरा है जहां मैं सदियों से पड़ा खुद को बाहर की रोशनी से बचाता रहा हूं। इसीलिए सब मुझे अंधेरे का शैतान बुलाते थे, और फिर एक रोमेनियन तांत्रिक ने बदला लेने के लिए मुझे यहां कैद कर दिया, और फिर तुम यहां आए मेरे दोस्त, और तुमने वो मंत्र पढ़ा जिससे मैं उस तांत्रिक के मंत्र से बाहर निकल पाया। कौन हो तुम? मैं रॉय हूं। मुझे उम्मीद है कि तुमने मुझे पहचान लिया होगा। मैं ड्रैकुला हूं। तुम मुझे इस तरह से ढूंढो मत, मुझे देख नहीं पाओगे, क्योंकि मैं सिर्फ आत्मा हूं। मेरा शरीर अब वजूद में नहीं है। मैं फिर से ड्रैकुला बनना चाहता हूं ताकि इंसानी रक्त को पी सकूं, लेकिन उसके लिए मुझे एक इंसानी शरीर चाहिए, और इस समय मेरे सामने सिर्फ एक इंसान है, वो तुम हो रॉय। माफ कर दो रॉय, इसके लिए मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा, और फिर मैं तुम्हारे शरीर के जरिए अपनी इच्छाएं पूरी करूंगा और हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। Thank you.
हेलो मैडम, रॉय सर रूम में पहुंचे क्या? नहीं, रॉय का तो फोन भी नहीं लग रहा है। तुमसे कुछ कहा था क्या उन्होंने? मैंने महल का चप्पा चप्पा छान मारा मगर कहीं दिखाई नहीं दिए वो। कभी कभी सर एक दूसरी जगह पर भी जाते हैं, मैं वहाँ देख कर आता हूँ मैडम। आप परेशान मत होइए सर, किसी भी हाल में कल सुबह तक मिल जाएंगे। कल सुबह ही हमें निकलना है। मुझे बहुत डर लग रहा है टॉम, टूरिस्ट लोगों को किडनैप करने वाला क्रिमिनल ग्रुप इसी एरिया में रहता है, मुझे पुलिस ने बताया। ये बात सच है, मुझे भी इस जगह पे 6-7 साल हो गए। मेरे हिसाब से वैसा कुछ भी नहीं हुआ होगा मैडम, कुछ लोग पैसों के लिए गहनों के लिए सब काम करते होंगे। लेकिन मैडम आप डरिए मत, जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए। रॉय, उस चेन को निकाल दो। क्यों? अभी हमारा हनीमून स्टार्ट होने वाला है ना। ओह, लेकिन उसका इस चेन से क्या संबंध? बताता हूँ। ये क्या है रॉय? मैं कितनी डर गई थी पता है? अच्छा ये कैसा मैजिक है? तुम बिना चाबी के रूम में कैसे आ गए? बताता हूँ। चलो। Yeah.
हे भगवान, आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मेरी क्या गलती थी जो ऐसी सजा दी आपने? अंकल आंटी कब आ रहे हैं मम्मी? आ जाएंगे, बहुत जल्द आ जाएंगे। ब्लेस मी फादर। रहने दीजिए। गॉड ब्लेस यू। बेनी, आईपीएस, वैजाग सिटी पुलिस कमिश्नर, ब्रदर ऑफ रॉय, और मैं अजय, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। सॉरी, आपका असिस्टेंट हूँ। सर, मुझे बस एक चांस दीजिए, इस केस को इन्वेस्टिगेट करके सारे सबूत आपके सामने रख दूंगा। हेलो, तुम्हें ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ असिस्टेंट हो। ठीक है, मुझे छोड़िए सर, आपके चाचा जी सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर है ना, अगर उनकी हेल्प ले तो। अंकल ने रोमानिया एम्बेसी के साथ बात की है, अगर जरूरत पड़ी तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को भेज देंगे। ऐसी बात पीएम और अंकल के बीच हुई है। सर, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, उस इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ अगर आप मुझे भी फॉरेन भेज दें तो फ्री में फॉरेन टूर और रोमानिया में रोमांस। क्या कहना चाहते हैं मैं समझ गया, मुझे इंग्लिश नहीं आती है ना, बॉडी लैंग्वेज से मैनेज कर लूंगा रोमांस। मैंने जो सुना वो सच है क्या? लूसी को और रॉय को क्या हुआ है? आप इस तरह से खामोश क्यों खड़े हैं? उन लोगों को क्या हुआ बताइए। देखिए, बात यह है कि रॉय कहीं नजर नहीं आ रहा था। रॉय को ढूंढने के लिए रोमानिया पुलिस के साथ अपनी लूसी भी थी, शाम तक सही सलामत थी, लेकिन अगले दिन सुबह देखा तो लूसी कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। उसके रूम के सामान के साथ कोई छेड़छाड़ भी नहीं हुई थी, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। विदेश में मेरे बेटे की मदद करने वाला कोई नहीं है, उन लोगों को कुछ हो गया तो। उन्हें कुछ भी नहीं होगा, संभालो अपने आप को। बताओ बेनी। वैसे तो मैं किसी की बात नहीं सुनता, आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। सुब्बा रेड्डी नाम के एक तांत्रिक को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, रोमानिया में उनके साथ क्या हुआ होगा चुटकी में बता देंगे, वो हमारे डिपार्टमेंट से भी बेटर है। वो नहीं, वो सर, वो ऐसे बेटा, तुम छोटे हो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तुरंत चलो उनके पास। पहले तुम्हारी माँ से मिलना है, कहाँ है वो? माँ अंदर है, वो आइए। चलो चलते हैं। मैं खुद जाकर उस तांत्रिक से मिलता हूँ, रोमानिया में क्या हुआ ये जानकर अपने कमिश्नर को बता दूंगा, प्रमोशन पक्का है। पंडित जी मिलेंगे कि नहीं? ये ऐसे क्यों घूर रहा है? इसकी एक आंख में गुस्सा, दूसरी आंख में प्यार दिख रहा है, मामला है। जाना जाना यहां से, जाता क्यों नहीं? हाँ, बाप रे, मैं रिश्वत लेता हूँ, ये बात इसे कैसे पता चली? हर इंसान की कुछ ना कुछ कमजोरी होती है, रिश्वत लेना मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। तुम इंसान पे भरोसा कर तो ये तुम्हारी कमजोरी, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। सो जाओ सब, सो जाओ सब, तुम सब सो जाओ, आ रहा है तुम्हारा प्रभु। हाँ, वो मेरा मास्टर है, वो अब मुक्त हो चुका है। आधी रात के वक्त सारी प्रेत आत्माएं जाग जानी चाहिए, तुम सबको उसका स्वागत करना है। ओ द किंग ऑफ डार्कनेस, आपका स्वागत है, इस देश की खूबसूरत लड़कियों का खून पीने के लिए आपका स्वागत है। वॉर्नर्स बंगलो। ये तो भूत बंगले जैसा लग रहा है। ये क्या, यहां तो आसपास कोई नजर भी नहीं आ रहा है। घर में कोई है क्या? सर, विलियम सर। देखिए सर, हमारे पास और भी काम है, आपका सामान हम यहीं उतरवा देते हैं। उतारने के बाद फिर चढ़ाने को मत कहना, इसका वजन बहुत ज्यादा है, हमसे नहीं होगा। अरे रुकना भाई, पहले कोई अंदर से दरवाजा तो खोले। अजीब आदमी है। हेलो, ओमेगा शिपिंग कॉर्पोरेशन से बोल रहे हो ना? हाँ सर, मैं राजू बोल रहा हूँ, मैं आपका सामान लेकर आया हूँ। आई एम प्रोफेसर विलियम डिसोजा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैं आपके घर के बाहर ही खड़ा हूँ सर,
लेकिन यहाँ पर कोई नजर ही नहीं आ रहा है, आप कब तक आएंगे सर? दरअसल मैं थोड़ा दूर हूँ, आने में थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक है। अरे सर, ये काम करने के बाद मुझे और भी कहीं जगहों पर जाना है, लॉरी वाला भी ओवर टाइम मांग रहा है। उनको मैनेज करना तुम्हारा काम है, तुम्हें और थोड़ी देर मेरा वेट करना ही होगा। अरे सर, आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? आपका बैलेंस अभी भी 30,000 रुपए है जो आपको मुझे देने। तू जरा शांत रहे, ऐसे ही ये मेरी जान खा रहा है। क्या बोला, जान खा रहा हूँ? आपसे नहीं सर, मैं इन लोगों से कह रहा हूँ कि सामान जरा आराम से उतारे। तुम्हें वहाँ पर मेरा 2-3 घंटे वेट करना ही पड़ेगा, अगर तुम वहाँ रुकोगे तो तुम्हें 10,000 एक्स्ट्रा दूंगा। एक्स्ट्रा 10,000 मेरे लिए? ओह, फिर तो मैं आपके लिए कितनी भी देर वेट कर सकता हूँ। ये अच्छा आदमी है यार, तू जल्दी से जा, गाड़ी से सामान निकाल। ए, किसके बारे में बात कर रहे हो तुम? हाँ, आपके बारे में ही सर, मैं यहाँ रुका हूँ, आप अपना काम करके आराम से आइए। ओके फाइन राजू, थैंक यू वेरी मच। ओके सर। क्यों सर, सारा सामान उतार के चले जाएं हम? हाँ, तुम लोग चले जाओ, मैं यहाँ रुक कर इंतजार करता हूँ। ये लो, ठीक है, थैंक यू सर। फोन पर तो इसने कह दिया कि 10,000 एक्स्ट्रा दे देगा, पैसे देगा या नहीं क्या पता। अरे जल्दी करो, वेट तो करना ही पड़ेगा। हेलो सर। राजू, बंगले का दरवाजा खुला है, तुम अंदर जाकर बैठ जाओ। सर, आप इस तरह बंगला खुला रख के कैसे जा सकते हैं? कोई अंदर चोरी कर लेगा तो? संभालने के लिए तुम हो ना। ठीक है, ठीक है सर। हाँ ठीक है, राइट से लो, राइट से हम लोग निकलते हैं सर। हाँ ओके ओके। इन्हें तो काफी देर हो गई, पता नहीं कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा। अरे यार ये क्या, शी। इस घर में कुछ भी आवाज आए तो डर लगेगा। लगता है यहां बहुत सारे चूहे हैं। ये कुर्सी तो टूटी हुई है, डर गया। ये तो ठीक है ना? ओके। सर आप आ गए। गुड इवनिंग राजू। गुड इवनिंग सर। आई एम प्रोफेसर विलियम डिसोजा। सर हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। सर क्या हुआ? आपका हाथ बहुत ठंडा है सर। बाहर ठंड बहुत है और वैसे भी अभी ठंड का मौसम है ना। प्लीज बैठ जाओ ना। थैंक यू सर। तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? इट्स ओके सर, ये सब तो मामूली बात है। ये लीजिए, इन पेपर्स पे साइन कर दीजिए। यस। ये लीजिए पेन। थैंक यू सर। वेलकम। 30,000। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। ये लो, बोला था ना एक्स्ट्रा 10,000। थैंक यू सर। आप गलत मत समझिए, ये 10,000 रुपए मेरे लिए बहुत ही कीमती है। इट्स ओके, इट्स ओके। आपसे एक बात कहूँ, शिपिंग कॉर्पोरेशन वाले मुझे जो पगार देते हैं वो सिर्फ 7,000 रुपए है। दरअसल मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ सर, पर 10,000 रुपए मैंने आज पहली बार कमाए, वो भी सिर्फ आपकी वजह से। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। सर तो मैं चलूं? वैसे इतनी रात में जाना जरूरी है क्या? यहाँ से बस स्टैंड बहुत ही दूर है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, वैसे भी मुझे इन सब की आदत हो गई है। ओके राजू, एज यू विश। थैंक यू सर। ये सारे बक्से कहाँ गए सर? वो सब मैंने अंदर रख दिए हैं। तो ठीक है। अंदर रख दिए? वैसे भी बॉडी बिल्डर दिखता है। आज का दिन बहुत अच्छा है, अच्छा बकरा मिल गया। हाँ?
ये इतने सारे कुत्ते, काट लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सर सर बाहर आइए, अरे ये तो पीछे ही पड़ गए। सर जाओ इधर से, जाओ इधर से, जाओ यहां से। सर सर बाहर आइए, सर हट जा, सर बाहर आइए, मुझे बचाइए, बाहर आइए वरना मेरा काम तमाम हो जाएगा। इन कुत्तों को रोकिए, जाना, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा यार। सर सर बाहर आइए जल्दी, सर बाहर आइए, मुझे बचाइए। सर गो बैक। तो इन कुत्तों को इंग्लिश में बोलना पड़ता है, सॉरी डॉगीज। सर अच्छा हुआ आप आ गए, वरना इन्होंने तो मुझे काट ही लिया होता। ये सब आपके पाले हुए कुत्ते हैं क्या सर? हाँ मेरे पाले हुए कुत्ते हैं, तभी तो मेरी बात मानते हैं। अब आप अगर मुझे जाने के लिए भी कहेंगे ना सर, तो भी मैं नहीं जाऊंगा, प्लीज सर। ओके कोई बात नहीं, अंदर चलो, पहले तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, उसके बाद दोनों मिलकर डिनर करेंगे। थैंक यू सर। थोड़ी देर और रुकता तो कुत्तों का डिनर बन जाता। इतने बड़े घर में आप अकेले रहते हैं सर? क्यों, इतना बड़ा बंगला देखकर डर लग रहा है क्या? प्लीज कम, वो देखो इस रूम में जाकर फ्रेश हो जाओ। आप विदेश में रहने वाले हैं फिर भी इतने संस्कारी हैं, संस्कार तो पैदाइशी होते हैं सर, इसीलिए मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं आपको अपना विजिटिंग कार्ड दे देता हूँ, इस स्टेट में आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कीजिएगा। देखो कुछ तो नीचे गिर गया। वो फोटो, क्यों सर अच्छी दिखती है ना? ये मेरी गर्लफ्रेंड है मीना, MBBS किया है, हाउस सर्जन है, मेरे बचपन की दोस्त है, प्यारी है ना? बहुत अच्छी है, सच में बहुत अच्छी है। यू आर वेरी लकी। थैंक यू, लक तो ठीक है पर अच्छी जॉब की भी जरूरत है, बस उसी की कोशिश कर रहा हूं। क्या हुआ सर, क्या हुआ सर? तुम्हारे गर्दन पे, ओह बाहर कुत्तों से बचते वक्त लग गया होगा। ठीक है सर, इट्स ओके। आप कुछ कह रहे थे? वो तुम्हारी नौकरी। हाँ सर, जब भी मैं उससे शादी करने को कहता हूँ तो कहती है कि पहले अच्छी नौकरी ढूंढो तभी शादी करूंगी। सर मैंने उसके पिता के बारे में नहीं बताया। अरे वो कोई मामूली आदमी नहीं है, इस स्टेट में किसी को भी पूछो सब जानते हैं उनको, बहुत फेमस तांत्रिक है। उनके बारे में ऐसा कहते हैं कि उनका नाम लेते ही भूत पिशाच सामने तो क्या आसपास भी नहीं भटकते। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ राजू। कहाँ सर, विदेश में क्या? हाँ हाँ चलोगे? जरूर चलूंगा सर, मुझे कोई बुलाए उसी का इंतजार कर रहा हूँ, विदेश जाके सेटल होना ही मेरा मकसद है। तो फिर तुम पहले जाकर फ्रेश हो जाओ, हम दोनों डिनर करते हैं। जस्ट 5 मिनट्स, अभी आता हूँ मैं। इस देश से मेरा कोई संबंध नहीं है, यहाँ आने की मेरी एक ही वजह है, वो मैं अब समझ गया हूँ, मेरी राजकुमारी, द प्रिंसेस ऑफ ट्रांसिल्वेनिया। महावीर बनकर ड्रैकुला युद्ध में शहीद हो गया, उनके दुश्मन के बोले हुए झूठ को सुनकर उसकी प्रेमिका ने आत्महत्या कर ली। इस गुस्से को सहन ना कर पाने के कारण वो भगवान से भी लड़ पड़ा ड्रैकुला ने। तुम रेडी हो ना मीना? मैं तुम्हें 4 बजे बीच पे मिलूंगा, बी रेडी फॉर अ सरप्राइज। या आई विल बी रेडी।
हे रुको कहाँ जा रही बेटा ये तुम क्या कर रही हो? हाँ हाँ बेटा टीवी ऑफ करके सो जाओ ना, डैडी आते ही उठा देती हूँ। मुझे नींद नहीं आ रही है मम्मी। अभी डैडी आएंगे ना, उनके आते ही सो जाऊंगी। ये मेरी बात मानेगी? रात हो गई फिर भी नींद नहीं आ रही इसे। हाय मम्मी, देखो लूसी आंटी आई है। आओ आओ बेटी, इधर आओ। कितने दिन हो गए आपको देखकर। आप और रॉय अंकल कहीं गुम हो गए हैं ऐसा लोगों को लगता है, इसलिए सभी लोग रो रहे हैं। रॉय अंकल कहाँ है आंटी? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अंकल के पास ले चलती हूँ। हाँ। वो देखो वहाँ। इतनी रात को एनी बाहर क्या कर रही है? क्या हुआ एनी? एनी क्या हुआ? लूसी आंटी मुझे काट कर यहाँ धक्का मार कर भाग गई। कोई सपना देखा होगा बेटा। नहीं, लूसी आंटी ने मुझे सच में काटा है, ये देखो। दिखाओ जरा, लगता है किसी कीड़े ने काटा है। रो मत, ठीक हो जाएगा। आप थोड़े दिन और क्यों नहीं रुक जाती? अब मुझे यहाँ रहे बहुत दिन हो गए हैं। अपने बच्चों से मैं इतने दिन दूर नहीं रही। देखो बेटी, हल्दी थोड़ी देर रहने देना, तुरंत नहाना नहीं, मैं बाहर जाकर काम करके आती हूँ। आंटी सुनो। आंटी क्या हुआ बेटी? दरवाजा अच्छे से बंद करके जाइएगा, नहीं तो कोई भी खोलकर अंदर आ सकता है। ठीक है बेटी। दरवाजा बंद हो या नहीं, अंदर आना मुझे आता है। ओहो राजू, छोड़ो मुझे, चलो जाओ यहाँ से, मेरे पूरे शरीर में हल्दी लगी है। अच्छा ये बात है, क्या तुम्हें पता है शादी से पहले हल्दी क्यों लगाते हैं? अच्छा, यहाँ कोई है नहीं इसलिए ज्यादा उड़ो मत, जाओ वरना पापा को बुलाऊंगी। तो बुलाओ ना। ओहो क्या कर रहे हो राजू, मेरी सारी हल्दी तुम्हें लग जाएगी। पापा हल्दी लगा कर नहाने जा रही हूँ। मेरे लिए आ जाओ प्लीज। बेटी अब नहाने चल। अरे जा, आंटी आ गई है, जाओ यहाँ से। 6 बजे तैयार रहना। हाँ हाँ। You're the best. Good evening, sir. Good evening.
रॉय? हाँ? Oh my goodness, कब आए तुम? अभी दो दिन पहले ही आया हूँ। तुम आए तो हमें बताया क्यों नहीं? और लूसी कहाँ है? वो घर पे है। मैं तुम्हें याद तो हूँ ना, लूसी के आंटी की बेटी हूँ मैं। हाँ याद आया, अभी याद आया। रोमानिया में तुम लोग मिसिंग हो गए ये सुनकर हम लोग बहुत डर गए थे। मैं इस होटल के फ्रंट ऑफिस में काम करती हूँ, लेकिन तुम यहाँ ऊपर इंडियन रेस्टोरेंट में जाना है। मैं अब चलती हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ बहुत बातें करनी है। तो चलिए ना। तुमने इतने सारे कमरे क्यों बुक करवा लिए हैं? मेरे दोस्त भी आ रहे हैं। यू आर लुकिंग ग्रेट। यू टू। बाहर क्यों बैठे हैं पापा? हम लोग भी जल्दी आ गए। वो मीना बस स्टॉप पे बस का वेट कर रही थी, मैंने उसे देखा और यहाँ ड्रॉप करने चला आया। हाँ पापा, सरोजा की माँ कार से ड्रॉप करने वाली थी पर मैंने ही उन्हें मना कर दिया। हाँ बिल्कुल, ये बर्थडे पार्टी के लिए गई थी। बर्थडे पार्टी के लिए तुम भी इसके साथ गए थे क्या? नहीं, वो मीना ने रास्ते में बताया। हाँ पापा, अभी रास्ते में बताया। देर हो रही है, मैं चलता हूँ। तुम ऐसे ड्राइवर का काम करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? ड्राइवर का काम? छे, आपने तो मेरी इज्जत ही निकाल दी। मैं शिपिंग कंपनी में काम करता हूँ। कितने भी बड़े एग्जीक्यूटिव बन जाओ, पगार तो ड्राइवर की ही मिलती है ना। हाँ, मैंने तुम्हारे पिताजी से कई बार कहा है, क्या वहाँ उस छोटे से गांव में पड़े हुए हो, यहाँ चले आओ और मेरे साथ हाथ मिलाकर काम करो। लेकिन सुनता ही नहीं, हर महीने 50-60 हज़ार रुपए तो बच ही जाएंगे। मैं तो सिर्फ रास्ता बता सकता हूँ, चलना तो उनको होगा। देखिए अंकल जी, अभी मैं इतना बड़ा नहीं हुआ कि अपने पिता से बात कर सकूँ। फिलहाल मैं अपने बॉस के साथ विदेश किसी काम से जा रहा हूँ। किसके साथ? जिनके लिए मैं काम करता हूँ। वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट विलियम डिसूजा का नाम तो सुना होगा आपने। वो मुझे विदेश लेकर जा रहे हैं, वहाँ उनका बहुत बड़ा बिजनेस है। ये तो बहुत अच्छी बात है, विदेश चले जाओगे तो पैसे अच्छे कमाओगे ही, साथ में नाम भी कमाओगे। पापा के पास तुम भी तंत्र और मंत्र सीख रही हो क्या? मैं आ गई हूँ, ये तुम्हें कैसे पता चला? मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, अब इस तरह से घूमना फिरना बंद करो, नहीं तो मैं दिव्य दृष्टि से देखकर पिताजी को सब कुछ बता दूंगी। ऐसा मत करना दीदी, अब से मैं कहीं भी बाहर गई ना तो तुम्हें बता कर ही जाऊंगी। तो ठीक है, बताओ तुम और राजू कहाँ कहाँ घूम कर आए? एक इम्पोर्टेंट पर्सन ने हमें पार्टी में बुलाया था, प्रोफेसर विलियम डिसूजा, राजू के फ्रेंड है। राजू ने बताया कि वो फॉरेन में रहते हैं। तारा दीदी, उनकी आंखों में कोई शक्ति है जो आकर्षित करती है, सो पावरफुल। लंबी नाक, लंबे लंबे बाल, दिल करा था कि बस उन्हें देखते जाओ। तो फिर मुझे उन्हें मिलना ही होगा। आप भी उन्हें देखती रह जाओगी, कन्फर्म। माय डियर मीना, तुम पराए मर्द की अगर ऐसी तारीफ करोगी और अगर राजू ने सुना तो प्रॉब्लम होगी। राजू ऐसा कुछ नहीं सोचेगा। मैं आपको एक बात बताना भूल गई, राजू को उन्होंने फॉरेन का ऑफर दिया है। गुड, तो प्रॉब्लम सॉल्व। और भी बहुत कुछ बताना है, पहले मैं ड्रेस चेंज करके आती हूँ। ओके, थक कर आई हुई मेरी प्यारी बहन के लिए मैं एक अच्छी सी कॉफी बनाती हूँ। सो स्वीट। बेटा बेनी, ये सब लोग क्या कह रहे हैं? ये सब बातें सुनकर मुझे बहुत डर लग रहा है। फादर, इन लोगों को यहाँ क्यों लेकर आए हो? आखिर इनकी यहाँ जरूरत ही क्या है? मिस्टर रॉय, हाँ, रोमानिया, हाँ, ड्रैकुला, वो वहां से गायब हो गया, सब समझ में आ गया। हाँ। फिक्र मत कीजिए, हम पता लगा लेंगे। आइए आइए, मेरे साथ आइए प्लीज। आइए मिस्टर बेनी, ये रोमानिया के बिशप्स हैं, ये जो कह रहे हैं उस पर शक करने की जरूरत नहीं है। आपने जो हमें ये कहानी बताई, आपको क्या लगता है कि हम उस पर विश्वास कर लेंगे मिस्टर पॉल? ये 21वीं सदी चल रही है, कैसे बिलीव कर सकते हैं इन सब में? मैं रोमानिया में पिछले 25 सालों से प्रैक्टिस करने वाला साइकेट्रिस्ट हूँ। वहाँ जितने भी लोग रहते हैं उसमें आधे से ज्यादा तीन धर्मों को मानते हैं, और ये सच है, पर ड्रैकुला कहलाने वाले वैम्पायर का अस्तित्व आज भी है, ऐसा मेरा मानना है।
इंसानों का खून पीने वाला वो जीव अभी भी है, ऐसा साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। वैम्पायर जाति का वो भयानक जीव पिशाचों का राजा ड्रैकुला है। एनुअल मीटिंग अटेंड करने हम लोग श्रीलंका जा रहे थे, लेकिन ये जरूरी जानकारी देने के लिए हम यहाँ रुक गए, और हमारी भविष्यवाणी बिल्कुल सही थी। उस ड्रैकुला ने रॉय को मारा रोमानिया में, और उसके शरीर में प्रवेश करके यहाँ इंडिया आ गया। हो सकता है। समंदर पार करके यहाँ आया हूँ सिर्फ तुम्हें देखने के लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। जानती हूँ तुम आ गए हो, तुम आ गए हो मेरे लिए। You are my prince. मैं बहुत बेचैन हूँ, तुम आ गए हो। आखिर तुम आ ही गए, तुम आ गए। मीना, 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 क्या हुआ? ऐसे क्यों बड़बड़ा रही है? मैं नहीं बड़बड़ा रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। अरे मैंने खुद सुना। ओह, तो मुझे कोई बुरा सपना आया होगा इसलिए। तुम मेरी बातें सुनती कहाँ हो? मंदिर तुम जाती नहीं हो, मंत्र जाप भी नहीं करती हो। मैं कल तुम्हारे हाथ में रक्षा सूत्र बांधने वाली हूँ, भगवान का नाम लो, सो जाओ। मुझे डर लग रहा है दीदी, तुम मेरे साथ सो जाओ ना प्लीज। डॉक्टर है ना तू, डरपोक कहीं की सिली गर्ल। राजू काफी देर से बैठे हो? नहीं बस अभी आया, जस्ट फाइव। आजकल पिताजी नहीं है तो भगवान की पूजा पाठ सब मुझे ही करनी पड़ती है। अंकल कब आ रहे? काशी के बाद मैं बद्रीनाथ भी जाऊंगा ऐसा पिताजी ने कहा था। क्यों, तुम्हारा कुछ काम था क्या राजू? विलियम डिसूजा के बारे में बताया था ना मैंने। हाँ बताया तो था, तुम्हें भी वो फॉरन लेके जाएंगे, वही प्रोफेसर ना? हाँ वही। बात दरअसल ये है कि वो तुमसे मिलना चाहते हैं। क्या, मुझसे मिलना चाहते हैं? हाँ। लेकिन किस लिए? दरअसल वो इंडियन कल्चर और माइथोलॉजी के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। वो है तो इंडियन लेकिन उनकी परवरिश बाहर की है। फॉरेन में पले बड़े हैं, वहाँ उनका अच्छा खासा बिजनेस भी है, पर मंत्र तंत्र और योग के बारे में जानने के लिए वो इंडिया आए हैं, इसीलिए उनसे परिचय करवाने में मैंने कुछ गलत नहीं समझा। तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पूछ रहे थे। तुम उनके साथ फॉरेन जाने के लिए इतने बेताब हो ना? मेरी पूजा पाठ अधूरी रह गई है। हाँ? वो पूरी होते ही मैं उनसे मिल लूंगी। लेकिन ये बताओ वो रहते कहाँ है? यहाँ से थोड़ी ही दूर, वो देवी मंदिर के पास, वॉनर्स बंगलो। ओ हाँ, मैं हर रोज उस देवी के मंदिर जाती हूँ। तुम्हारे वीआईपी से जरूर मिलूंगी। ओके कमिश्नर सर। हाँ बोलो सर। अब मैं जाकर आता हूँ सर। डांसर अंजलि मरी है या नहीं ये कहना मुश्किल है सर। रूम के अंदर खून के धब्बे हैं सर। लंबा कोट पहने हुए एक व्यक्ति ने
अंजलि से बात की थी सर, ऐसा एक आदमी ने बताया। सच में? यस सर। और भी कुछ पता चला है क्या? वो लड़की उस लड़के को मारकर बॉडी ले गई, या फिर उस लड़के को मारकर वो लड़की बॉडी ले गई, ये पता नहीं चला है सर। यस सर, वो तो मैं हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, खूनी को पकड़ना ही पड़ेगा, खूनी की डेड बॉडी भी चलेगी। कल सुबह तक वो मुझे चाहिए। ओके ठीक है सर। अभी मुझे किसी न किसी को मार के ले जाना पड़ेगा। अंजलि डांस करने गई थी तो उसे डांस करना चाहिए था, मर क्यों गई आखिर वो? कोई कोट पहनकर वहां ओवर कॉन्फिडेंस में गया, उसने उससे बात की तो बात करनी चाहिए थी, मार क्यों डाला? असल में अंजलि ने उसे मारा या उसने अंजलि को मारा या फिर दोनों ने एक दूसरे को मारा, कुछ पता नहीं सर। अंजलि से आखिरी बार बात करने वाला यही व्यक्ति है सर, राजू। ओहो, तो तू है? वो तेरा फ्रेंड है क्या? क्या करता है? उसने अंजलि से क्या बात की? उसे कहां लेकर गया? क्या किया उसके साथ? सर, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कोई मामूली आदमी नहीं है, वो एक साइंटिस्ट है। अच्छा, ऊपर से करोड़पति। हाँ, करोड़पति है? हाँ सर, और कोई मामूली करोड़पति नहीं, मल्टी मिलियनर है। अच्छा ये बताओ कितना दे सकता है? पैसे दिए तो सजा भी नहीं, केस भी नहीं। मतलब अपने देश में पब्लिक बहुत बढ़ गई है, उसी तरह क्राइम रेट भी बढ़ रहा है, जेलें भर चुकी हैं। अब जेल में किसी को रखने की जगह तो है नहीं, तो दूसरे देशों से जेल उधार लेने की नौबत आ गई है। तुम्हारा दोस्त करोड़पति है, तुम ऐसा कह रहे हो। वो बहुत ही अच्छा आदमी है ये भी कह रहे हो। ऊपर वाला सब देख रहा है, ऊपर भी सजा मिले नीचे भी सजा मिले, ये तो डबल पनिशमेंट हो गई ना। अगर आप सजा नहीं दे सकते तो इस पुलिस स्टेशन की, इन कोर्ट्स की, इन सब की क्या जरूरत है? मैं उस पे जरा रिसर्च कर रहा हूँ। तुम जरा अपने करोड़पति दोस्त का नंबर देना। वो क्यों? ए, सेल नंबर दो, नहीं तो सेल में डाल दूंगा। ओके सर, ये लीजिए। ये बात हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए, अगर किसी को बताया तो तुम। 9849077। क्या बात है डैडी, आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। हमारे बहुत ही अच्छे दिन आने वाले हैं, ऐसा वो तांत्रिक सुब्बा राव जी ने कहा था ना हमसे। आज से ही शुरू हो गए। इसका मतलब हमारे सारे दुख आज के बाद खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल, आज से हमारे सारे दुख खत्म। 9849012999 इतना आएगा। ये तो सेल नंबर लग रहा है डैडी। इसी नंबर से इतना आएगा बेटी, जाओ अपना काम करो, जाओ। कुछ भी कहो, हमारी बेटी बहुत नसीब वाली है। अच्छा ये बताओ ये होगा कैसे? अरे होगा कैसे, चुपचाप होगा, ना तो तुम्हें पता चलेगा ना तो हमें पता चलेगा। ऐसे मुंह खुलोगी तो मुंह में चला जाएगा। मुझे एक करोड़पति मिला है जिसने क्राइम किया है, कांस्टेबल के साथ मिलकर तुम्हें घेरूंगा और तुम्हारा एनकाउंटर कर दूंगा। ऐसा बोला तो वो डर गया। तब मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। अपनी एक बेटी है जो बहुत जल्द शादी के लायक हो जाएगी, उसके लिए पैसों का इंतजाम कर लेता हूँ और उसकी शादी धूमधाम से कराऊंगा। देखा, इस अजय को कम समझने वाले सभी गड्ढे में गिर गए, तुम भी ना। मैंने कब आपको कम समझा, मैं तो जानती हूँ आप होशियार हो। ठीक है, मैं तुम्हारे घर आऊंगा और पैसे लेकर के जाऊंगा। तब उसने कहा आप क्यों आओगे, मैं आपके घर आऊंगा और पैसे दे करके जाऊंगा, एड्रेस दे दीजिए, बोलकर फोन पर ही पैरों पे गिर गया। फोन पर कोई पैर पकड़ता है क्या? तो अबे बोलने की बात होती है ये, सब जगह लॉजिक मत ढूंढा कर। टाइम तो हो गया, अभी तक आ जाना चाहिए था, लगता है एड्रेस ढूंढ रहा हूँ। आया क्यों नहीं? मंजू, उठो, मंजू, उठो मंजू। मेरी बेटी। छोड़ो मुझे। अरे, कौन है? नहीं। सुपर डिफरेंट जीनियस के लिए प्रॉपर हाउस।
क्या घर में कोई है? हेलो, घर में कोई है? एक्सक्यूज मी, तुम मेरे लिए आई हो? क्या आप मिस्टर विलियम डिसूजा हैं? जी हाँ। मैं तारा, राजू की सिस्टर इन लॉ। ओह यस, सूर्यमूर्ति की बेटी हो ना आप? जी हाँ। मंत्र तंत्र जानने वाले सूर्यमूर्ति की बेटी ऐसे मॉडर्न कपड़े पहनती है? इसमें क्या बड़ी बात है, वक्त के साथ साथ तो हमारे कपड़े भी बदलते रहते हैं। 100 साल पहले लड़कियों को घर से बाहर निकलना भी बहुत बड़ी बात होती थी, लेकिन आज के जमाने में इज इट पॉसिबल? और वैसे भी स्लीवलेस ब्लाउज पहनने से देवी देवताएं हम पर गुस्सा नहीं होते हैं। गुड, वेरी गुड। राजू ने बताया था आप में कुछ असाधारण शक्तियाँ हैं, इसलिए मैंने आपसे मिलने के बारे में सोचा। अच्छा ये बताइए, आप कोई पूजा कर रही थी, वो पूरी तो हो गई ना? हाँ, एक्चुअली कल मेरी पूजा पूरी होगी। इससे पहले देवी के मंदिर में नाग देवी की पूजा करने के लिए मैं आई थी। आप देवी के मंदिर के बाजू में ही रहते हैं, ऐसा राजू ने कहा था। जी हाँ, आप वो पूजा किस लिए करती हैं? बुरी आत्माओं से बचने के लिए या अच्छा पति मिल जाए इसलिए? मेरी कुंडली में जैसा लिखा होगा वैसा ही पति मुझे मिलेगा। ये पूजा उसके लिए नहीं है, ये पूजा निगेटिव पावर को भगाने में हमारी मदद करती है। निगेटिव पावर? हाँ, सूर्य मूर्ति के घर में एक दुष्ट आत्मा घुसने का प्रयास कर रही है। पिताजी ने इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, बट आई एम कॉन्फिडेंट दैट बैड पावर इज ट्राइंग टू एंटर इन द हाउस, आई एम श्योर ऑफ इट। आइए मैं आपको अपना बंगला दिखाता हूँ, चलिए। तो उस निगेटिव पावर को आप अब तक पकड़ नहीं पाई? मैं इस बात में अभी एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन वो शक्ति मुझसे भी पावरफुल है। कैसे भी करके अगर मैंने वो पूजा कंप्लीट की तो उसके बाद वो दुष्ट शक्ति हम लोगों को छू भी नहीं सकती। दिस इज अ फैंटास्टिक प्लेस सर, ये आइडिया आपको कैसे आया? क्या सोच रहे हैं? वहां कर मैं आपकी पूजा देख सकता हूँ? अरे नहीं, मेरे अलावा उस पूजा के समय और किसी को भी वहाँ नहीं रहना चाहिए। क्यों, लग्न पूजा करते वक्त ज्यादा तांत्रिकों की जरूरत नहीं होती, ऐसा कुछ है क्या? हमारे वेदों में और ग्रंथों में बहुत सारी पूजाएं बताई गई है, लेकिन ये वो पूजा नहीं है। उपनिषद में अच्छी तरह से ढूंढ कर निकाली हुई काल सर्प की पूजा है ये, इसे नाटन पूजा भी कह सकते हैं। पूरी होने पर उस दुष्ट शक्ति का निश्चित विनाश होगा। मना किया था, आप क्यों आए? तुम्हें देखने का मन किया इसलिए आया हूँ। आपका इस वक्त यहाँ आना बहुत ही गलत है, मेरी पूजा पूरी नहीं हुई है, आप जाइए। ये पूजा पूरी नहीं होनी चाहिए।
देवता मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। मंत्र तंत्र से बांधे हुए इस चीज को निकाल कर फेंक दो। नहीं, फेंक दो। नहीं होगा, वो मेरी आत्मरक्षा के लिए है। अब तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा, करोगी ना? करोगी ना? ठीक है, अब ये पूजा नहीं होगी। तुम ये पूजा नहीं करोगी। इतनी देर हो गई, अभी तक तारा की पूजा पूरी नहीं हुई क्या? ओके, अब ब्लड की जरूरत नहीं है इन्हें। दीदी, क्या हुआ था मुझे बताओ, आपको कुछ भी याद नहीं क्या? नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। अच्छा छोड़ो, दीदी तुम्हारे गले में ये दाग कैसे आया? मुझे किसी ने काटा ऐसे लगता है। ब्लड बहुत ज्यादा गया है, बस वही एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा डॉक्टर सुरेश ने कहा है। मैंने सोचा पापा को बताऊं, लेकिन उनका फोन ही नहीं लग रहा। ये बात उन्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है, वो खामखा परेशान हो जाएंगे। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बच गई, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं हुआ। पर वो पुजारी इतना नसीब वाला नहीं था। जिस हालत में उसकी डेड बॉडी मिली है, उसे देखकर ही लोगों को डर लग रहा है। क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ भी पता नहीं चल पाया। जो कुछ हुआ है एक एक्सीडेंट केस बोल करके हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, लेकिन आप जो कहानी बता रहे हैं उस पे भरोसा करना बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि इन चीजों पे डिस्कस करना हमारे लिए टाइम वेस्ट करना ही होगा। डॉक्टर, इस बात को आप हल्के में ना लें तो बेहतर होगा। वैम्पायर की स्टोरी को साइंस भी मान चुका है। अब इस बात पर भरोसा करना या ना करना आपकी मर्जी है, मैं फोर्स नहीं करूंगा। आप जो भी करेंगे उसमें मेरा सपोर्ट है। आप अच्छी तरह से सोच लीजिए। तो फिर मिस्टर बेनी, आप इस विषय पे क्या कहना चाहते हैं? मैंने भी शुरुआत में इस मामले को आप लोगों की तरह सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन मुझे धीरे धीरे यकीन होने लगा। मेडिकल रिपोर्ट में मैंने देखा कि उसके बदन में खून की कमी हो गई है। तारा के गले पे जो निशान दिख रहा है, वो निशान गले पे कैसे आया ये आप बता नहीं पा रहे। होटल में जो लड़की मरी है और मेरी बेटी एनी के गर्दन में भी वही निशान है। रोमानिया से आए हुए बिशप और डॉक्टर पॉल रॉबिन्सन ने जो जानकारी दी है। इसके अलावा कल रात को कृष्णा शास्त्री की मौत को देखकर ऐसा लग रहा है कि इन सब का आपस में कोई लिंक है। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। बिल्कुल, जब चीजें खुद पर आती हैं, तभी इंसान को भरोसा होता है, नहीं तो सब कुछ झूठा समझकर यूं ही टाल दिया जाता है। देखिए, आप माने या ना माने, सूर्यास्त होने के बाद गुलाब के फूल और क्रॉस को तारा के कमरे में रखने की इजाजत चाहिए, वरना उसके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। और रात को उसके कमरे का दरवाजा और खिड़कियां बंद होनी ही चाहिए। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है सर, अगर हमने ऐसा किया तो हमारे पे मुश्किल आ जाएगी। अगर आपने इजाजत नहीं दी तो उस लड़की की जान को खतरा हो सकता है। वो सर, ठीक है, आप लोग अपना काम करिए, लेकिन मेरा नाम बीच में मत लाइएगा। ईसीजी रिपोर्ट आ गई क्या? हाँ आ गई, ड्यूटी रूम में रखी है। हाँ ओके।
क्या देख रही है इसे? वो कुछ नहीं। तुम्हारी दीदी कैसी है? She's okay. हाँ, okay. प्लीज ऐसे क्या भाग रही है? राजू को देखने के लिए इतनी उतावली हो रही है? राजू कहाँ है? वो देख अंदर है, मैं वार्ड में जाकर आती हूँ। ओके। हाय। कैसे आना हुआ? बस ऐसी, तुम्हें देखने का मन किया इसलिए चला आया। बहुत परेशान लग रही हो। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं राजू। देखो छुपाओ मत, तुम्हारा चेहरा कुछ अजीब सा लग रहा है, क्या हुआ है? मुझे अभी अभी वो प्रोफेसर विलियम डिसूजा दिखे थे। अच्छा डिसूजा को देखा? कहाँ देखा? अभी यहीं पर इसी बिल्डिंग में। झूठ मत बोलो, वो तो घर पर है, अभी उससे फोन पर बात हुई मेरी। तो फिर मैंने किसको देखा? जरूर सपना देख रही होंगी मैडम। सपना कैसे हो सकता है, मैंने तो उसे अभी अपने सामने देखा। ये क्या बड़बड़ा रही हो? हा? राजू मैं तुम्हें कई दिनों से एक बहुत जरूरी बात के बारे में बताना चाह रही थी। क्या है बोलो। रोज रात को मुझे एक बहुत ही अजीब सा सपना आ रहा है। लास्ट टाइम तुमने कहा था कि मेरे सर पर दो सींग हैं। अरे राजू उस दिन तो मैं मजाक कर रही थी, मैं तुम्हें यही बात बताने के लिए फोन कर रही थी। डिसूजा से रेस्टोरेंट में मीटिंग करने के बाद रोज रात को सपने में मैं उसे देखती हूँ और वो सपना बहुत अजीब होता है। आहा, समझ गया। वो सूट बूट पहनकर आया था, बिग शॉट लग रहा था, इसीलिए मुझे उसके सामने छोटा दिखा रही हो। डोंट टॉक रबिश। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि मैं कितनी टेंशन में हूँ, लेकिन तुम तो मेरी बात को सीरियस लेते ही नहीं। ये रोना क्यों शुरू कर दिया? मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। चाहे कितना भी बड़ा हीरो आ जाए, मेरी मीना का हीरो मैं ही रहूंगा। ए, ये ड्यूटी रूम है। डोंट वरी डार्लिंग, मैं ड्यूटी ही तो कर रहा हूं। क्या आप मेरा एक काम करेंगी सिस्टर? हाँ बोलिए, क्या करना है? मुझे वो कैसी है हमारी पेशेंट? अब आप बिल्कुल ठीक हैं। ओके वेरी गुड, अब सब कुछ ठीक ठाक है। अब तुम्हें कमजोरी तो नहीं लग रही है? बिल्कुल नहीं। तारा के साथ रात को तुम भी रहोगी? हाँ। ना? बहन घर चली गई क्या बेटी? नहीं, उसकी आज नाइट शिफ्ट है। ओ, ड्यूटी रूम में है। आज से उस ड्रैकुला का खेल खत्म, अब हम उसके साथ खेलेंगे। वो कैसे? बाद में बताता हूँ, सिर्फ आज की रात निकल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। तुम फिक्र मत करो बेटी, सूर्य मूर्ति यहाँ आकर के सब कुछ संभाल लेंगे, तब तक तुम वही करो जो हम कहते हैं। कल सुबह हम लोग दोबारा आएंगे। अब आराम करो, गुड नाइट। आइए फादर, मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। प्लीज सिस्टर, ये सब निकाल कर बाहर फेंक दीजिए, इस सब की वजह से मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। लेकिन उन लोगों ने तो निकालने के लिए मना किया है ना। कहीं से आए हुए उस चर्च के फादर और उस साइंटिस्ट की बातों में आकर क्या तुम पेशेंट को तकलीफ दोगी? ये सब बकवास है, मैं भी जानती हूँ, लेकिन बड़े लोगों ने कहा है तो मानना पड़ेगा। तो फिर ले जाकर उनके रूम में रखने के लिए कहो, मेरे रूम में रखने की जरूरत नहीं। ये सब निकाल कर फेंक दो, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। ठीक है। उस क्रॉस पर भी मुझे विश्वास नहीं है, उसे भी निकालकर बाहर ले जाओ। जरा वो खिड़की खोल देना, खुली हवा आएगी। वो यहां मत रखो, बहुत ही बदबू आ रही है, उसे ले जाओ। अच्छा आपको कॉफी चाहिए क्या? अगर चाहिए तो मैं कैंटीन से लाती हूँ। हाँ मेरे लिए कैंटीन से जरा कॉफी लेकर आना। ठीक है। हाँ
तुमने सुना तारा की मौत हो गई? मैंने भी अभी अभी सुना, इसीलिए आ गया। आओ। ए भगवान, ये सब कैसे हो गया? इसकी मौत की वजह तुम लोग हो। मैंने जब कहा था उस पर तुमने ध्यान नहीं दिया। अगर तुम लोगों ने लापरवाही ना की होती तो ये जिंदा होती। हम लोग यहाँ से 9 बजे गए थे, अभी 12 बज रहे हैं। यहाँ से फूल और क्रॉस को किसने निकाला? माफ कर दीजिए, मैंने निकाला। उन्होंने कहा उनको सफोकेटेड फील हो रहा है, इसलिए मैंने सब फूल निकाल दिए। ये क्या कर दिया? आपको लगता है कि ये सब निकालने की वजह से ऐसा हुआ है? मुझे इन बातों पे कोई भरोसा नहीं है। मैंने कितनी बार कहा था लेकिन किसी ने समझने की कोशिश ही नहीं की। इसकी वजह सिर्फ वही है, सब उसी ने किया है, शैतान ड्रैकुला ने। आज के जमाने का शैतान पिशाच वही है, सबसे भयानक खून चूसने वाला वैम्पायर। मैंने तुमसे कहा था कि वो इस कमरे में ना आने पाए। वो भेस बदल कर आ सकता है, वो किसी भी वक्त किसी भी जीव जंतु का रूप ले सकता है। मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ ये सारी वैम्पायर की खासियत होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो हवा में उड़कर भी यहाँ आ सकता है। लगभग 20 लोगों की शक्ति उस अकेले में होती है, उसका सामना इकट्ठे करना पड़ेगा। तुम इसे देख रहे हो ना, हम सबको लगता है ये मर चुकी है। ये मरी नहीं है बल्कि इसकी बॉडी डेथलेस है। कुछ समय में ये वैम्पायर बन जाएगी और लोगों का खून पीकर इधर उधर घूमती फिरेगी। ड्रैकुला के खून में भयंकर इन्फेक्शन फैलाने वाला वायरस होता है। ये वैम्पायर में ना बदलने पाए उसके लिए इसके हार्ट को निकाल लेना होगा या फिर इसके शरीर का नाश कर देना होगा। नहीं, ऐसा कुछ मत करो। तुम जो कुछ भी करना चाहते हो मेरे पापा के आने के बाद करना। जब तक बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हो जाता हम इसे रिलीज नहीं कर सकते। सूर्यमूर्ति जी कब आ रहे हैं पता है आपको? लेकिन अगर वो देरी से आ रहे हैं तो इस बॉडी को यहाँ पर रखना जानलेवा है। पापा सुबह आ जाएंगे, तब तक आप प्लीज बॉडी को मोर्चरी में रखिए। रॉय तुम? Yeah.
पापा। चुप हो जाओ बेटी। कोई दुष्ट आत्मा इस घर में घुसने की प्रतीक्षा में है। तुम्हारी बहन ने मुझे बताया था, इस घर के भीतर कोई अपना पैर रख सके, किसी दुष्ट आत्मा में इतनी शक्ति नहीं। लेकिन तुम्हारी बहन ने जो कहा वो सही था। कहाँ है वो? तुम उसे यहाँ ले आए? वो मॉर्ग से तारा की डेड बॉडी गायब हो गई है। हे माँ, ये कैसी परीक्षा है? आइए बैठिए। मैंने ही आपसे फोन पे बात की थी, बिशप बर्गिस पोतामरिकम। ड्रैकुला नाम का वो खूनी पिशाच रोमानिया से हमारे देश में प्रवेश कर चुका है। आपने बिल्कुल सही कहा था। अब तो मैं उससे भी भयंकर दृश्य देख रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ आकर जिस व्यक्ति ने मुझसे मंत्र की शिक्षा ली थी, उसी व्यक्ति में उस खूनी पिशाच ने प्रवेश किया है, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। यही वजह है कि इस घर में वो प्रवेश कर पाया है। उसे मंत्र की जानकारी है। बेनी, देना तो। हाँ। अब इस फोटो में जो दिख रहा है वो रॉय ही है ना, जो आपके पास तंत्र मंत्र विद्या सीखने आया था? यही है वो आदमी जिसे आप ड्रैकुला कह रहे हैं। इस जगह से 40 किलोमीटर की दूरी पर उसका निवास स्थान है। तारा की बॉडी उसने वहीं रखी होगी। मैं रॉय का भाई हूँ, बेनी थॉमस। यहाँ पर असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर हूँ। मेरा भाई आपके पास यहाँ आया था तंत्र मंत्र की विद्या सीखने के लिए, ऐसा उसने मुझे बताया था। मैं आपको बता दूँ कि बेनी का भाई रोमानिया में थोड़ी दिन पहले ड्रैकुला का महल देखने के लिए गया था। मुझे पता है, वहां से उसने मुझसे फोन पर बात की थी। ड्रैकुला की आत्मा को कैसे वश में कर सकते हैं, ये उसने मुझसे पूछा था। अच्छा। अरे, मैं तो इन्हें जानता हूँ, लेकिन ये वो नहीं जो आप कह रहे हैं। ये तो फॉरेन से आए हुए साइंटिस्ट विलियम डिसूजा है। हाँ, विलियम डिसूजा। ये तो हूबहू ड्रैकुला के महल जैसा लग रहा है। शास्त्री जी, ये बात आश्चर्य वाली है कि कोई वैम्पायर किसी दूसरे इंसान के शरीर में घुसता कैसे है। सूर्यास्त होने में 1 घंटा बाकी है, रात होते ही उसकी शक्ति और बढ़ जाएगी। तो हम घर के अंदर जाकर देखते हैं, अंदर किसी को डरने की जरूरत नहीं। पुलिस की मदद ली तो अच्छा होगा ना सर? नहीं, मेरे साथ जो हुआ उस पे तो कोई विश्वास कर नहीं रहा है। पॉल रॉबिन्सन ने खुद कहा है कि इसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। कम Thank you.
चित्रकाली। तुम यहीं पर रुको, तुम मेरे साथ आओ। डॉक्टर, हम जा रहे हैं, कोई खतरा तो नहीं होगा? डरो मत ऑफिसर, मैं हूं ना, आओ। हाँ? नहीं, दरवाजा बंद मत करो। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अंकल, कोई है बाहर, दरवाजा खोलो। उसने अपने रहने के लिए काफी अच्छा बंगला चुना है। इसके बारे में तुम पहले से जानते थे? नो सर, पहली बार पता चला। यह देखने में भूत बंगला जैसा है। बिल्कुल सही कह रहे हो। ये बदबू कैसी है? यहां से आ रही है। ओके। वाह, एकदम उसी तरह से। रोमानिया में ड्रैकुला की जगह पर मैं गया था, वहां जैसा था यहां भी वैसा ही है। मुझे थोड़ा डर लग रहा है डॉक्टर। डर लग रहा है? आईपीएस ऑफिसर का ब्लड है तुम्हारा, ड्रैकुला डरकर भाग जाएगा। चलो चलो चलो, आओ। ये क्या है डॉक्टर? कहाँ है? कोई है बाहर, सुनो, दरवाजा खोलो। चलो 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 चलो, उठाओ उठाओ इसे, उठाओ, संभाल कर। डॉक्टर वहां देखो। अरे बाप रे, जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है। धीरे धीरे वैम्पायर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। वो देखो लूसी। चुप जाओ। ड्रैकुला ने इन वैम्पायर्स को हमारे पास भेजा है। अगर हमने आवाज की तो ये हमें छोड़ेंगे नहीं। ये दोनों अब तक थे इस बंगले में ही कहीं होंगे। अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है ना, इसलिए ये कहीं नहीं जा सकते। ये तो मेरे भाई की पत्नी है, बुलाओ। नहीं, 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 बिल्कुल नहीं। वो तुम्हारी भाई की पत्नी नहीं है, वो एक वैम्पायर है। इन दोनों का नाश करना होगा, आओ। ये क्या है? ज्यादा तैयारी का वक्त नहीं है, इसे सीधा दिल में घुसाना पड़ेगा, वरना सिर काट कर शरीर को जलाना होगा। ये तो पाप है डॉक्टर, तुम लूसी के साथ ऐसा कैसे कर सकते? दूंगा तुम्हें, आईपीएस ऑफिसर होकर ऐसी बातें कर रहे हो। चलो आओ। नाम लेकर बुलाओ इसे, बुलाओ। लूसी, लूसी। बेनी, बेनी, मुझे बचा लो बेनी। देखा डॉक्टर, ये अपनी लूसी ही है। नहीं नहीं, बेनी, बेनी, ये लो, बेनी, पकड़ो इसे, पकड़ो। अब समझ में आया तुम्हें? ये शरीर सिर्फ तुम्हारी भाभी का है, लेकिन आत्मा वैम्पायर की है। चलो। ये तो गायब हो गई, लगता है ये यहां से भाग गई। चलो आओ, मैं उसे आसानी से नहीं छोड़ने वाला। रॉय थॉमस, जो तंत्र मंत्र विद्या तुमने मुझसे सीखी, उसी विद्या का तुम मुझ पर उल्टा इस्तेमाल करना चाहते हो। सिर्फ उसके शरीर को ही नहीं, उसका दिमाग, विद्या,
भाषा, मंत्र तंत्र शक्ति, सब कुछ। ओ, तुम ही हो जो इस दुनिया में लोगों को डरा रहे हो, शैतान ड्रैकुला। मैंने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुम मेरे परिवार का सत्यानाश करने पर तुले हो? मुझे मीना चाहिए। वो मेरी राजकुमारी है। मैं उसे यहां से ले जाऊंगा। जो भी मुझे रोकने की कोशिश करेगा मैं उसे मार दूंगा। भद्रकाली, देवी, भद्रकाली, देवी, आजा, देवी, आजा। मुझे बचाओ राजू, उसने मुझे बंदी बनाकर रखा है, तुम मुझे बचाओ ना राजू। छोड़ो, छोड़ो मुझे, हट जाओ, रुको। राजू, तुम जाकर उसे पकड़ो जल्दी। जाओ, दीवार के पास लेकर चलो उसे। बेटी तारा, अब आपकी बेटी की आत्मा को शांति मिल जाएगी शास्त्री जी। ये क्या हो गया? मुझे ये दर्द सहने की शक्ति दे दो भद्रकाली। हे माँ, अब इस पिशाच को खत्म करना ही होगा। वो मीना को ढूंढने के लिए घर गया होगा। उसे किसी भी तरह से बचाना जरूरी है। वो किसी भी हालत में इस जगह पर दोबारा न लौट सके, इसलिए इस घर को चारों तरफ से बांधना होगा। राजू, राजू, तुम एक काम करो, भद्रकाली की मूर्ति के सामने वो सुदर्शन चक्र रखा हुआ है, उसे मीना के कमरे में रखना होगा। बस यही एक तरीका है जिससे उसे रोका जा सकता है। जाओ राजू, जाओ। डॉक्टर, आप राजू के साथ जाओ। मैं सूर्य मूर्ति जी को लेकर आता हूँ। ओके, चलिए। मूर्ति जी, वो बचना नहीं चाहिए। मुझे छोड़कर जाना तुमसे नहीं होगा, नहीं कर सकती तुम। तुम सिर्फ मेरी ही हो, तुम मेरे लिए बनी हो।
मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता मीना। जहां पर जिंदगी और मौत का खेल नहीं, वहां पर तुम मेरे साथ चलोगी? चलूंगी, तुम जहां कहोगे वहां चलूंगी। मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, जब तक ये दुनिया है तब तक तुम मेरी प्रेमिका हो मीना। प्रिंस ऑफ डार्कनेस, जल्दी जल्दी जल्दी। ये क्या है? वो कौन है? डॉक्टर, डॉक्टर, छोड़ूंगा नहीं। दीदी, मैं नहीं आऊंगा ऐसा सोच रही थी? नहीं, मैं जानती थी मेरा राजकुमार आएगा, जरूर आएगा। मैं इन्हें संभाल लूंगा, जाओ। माँ देवी। राजू, राजू, इसे ले जाकर मीना के कमरे में रख दो, जाओ जल्दी जाओ, जाओ। हे माँ, पियो इसे, इसे पियोगी तो तुम भी मेरी तरह बन जाओगी। जहां मौत नहीं है उस दुनिया में हम उड़कर चले जाएंगे। पियो। मीना, मीना, क्या हुआ मीना? मीना, मीना, तुम यहां से चले जाओ, मैं कह रही हूं चले जाओ। डॉक्टर मीना।
मेरी बात सुनो मीना। छोड़ो मुझे। मीना राजू क्या हुआ? मीना राजू ये तो बहुत बुरा हुआ। डॉक्टर हो जाए इसे छोड़ना मत। मीना 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 अब हम क्या करें डॉक्टर? समझ में नहीं आ रहा क्या कर। मीना 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 रुक जाओ। क्या करूं उसे पकड़ो। मीना संभल कर आइए। मुझे जाने दो, मुझे मेरे राजकुमार के पास जाने दो। मीना क्या हुआ? मुझे जाना है, मेरे रास्ते से हट जाओ। मुझे मेरे राजकुमार के पास जाने दो। हट जाओ यहाँ से, हटो। मीना हट जाओ, मुझे जाने दो। मेरी बेटी को क्या हो गया? मुझे मेरे राजकुमार के पास जाने दो। उस वैम्पायर ने इसके दिल और शरीर पर कब्जा कर लिया है। अब सिर्फ कुछ ही देर में हमारी मीना भी वैम्पायर बन जाएगी। ऐसा ना होने पाए इसके लिए उस ड्रैकुला को मारना ही होगा। उस ड्रैकुला को खत्म कर दिया तो मीना मुझे मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी, पर वो कहां भाग गया? तुम्हें पता होगा वो कहां है डॉक्टर? कुछ तो जानते होगे डॉक्टर। मैं भी नहीं जानता, लेकिन एक रास्ता है। अब क्योंकि मीना ड्रैकुला की प्रेमिका है, अगर हम उसे किसी तरह हिप्नोटाइज करके पूछ सकें तो ड्रैकुला का पता चल सकता है। राजू तुम मेरी बेटी के लिए अपनी जान भी देने से नहीं हिचकोगे, मुझसे ये वादा करो। मैं आपसे वादा करता हूँ मीना को बचा के ही रहूंगा। ये तुम्हारी शक्ति होगी, मेरे परिवार को नाश करने वाले उस खूनी पिशाच को समाप्त कर दो। विशेष तंत्र पूजा के माध्यम से हमारे पूर्वज ने अपने वंश की रक्षा के लिए शक्ति को प्राप्त किया था। इसे रखो, सारी शक्ति इस ताबीज में है। मैं अपने पूजा के कमरे में रहूंगा। विजयी होकर लौटो। मीना तुम्हें नींद आ रही है, तुम सोने जा रही हो, सो जाओ। तुम सो रही हो, तुम सो रही हो मीना। मीना मैं जो पूछूंगा उसका जवाब दोगी? हाँ दूंगी। तुम जिससे प्रेम करती हो तुम्हारा प्यार, वो ड्रैकुला बताओ कहाँ है? तुम उसे देख पा रही हो? बताओ मुझे। हाँ देख रही हूँ। वो देखो ट्रेन की आवाज आ रही है। हाँ उस ट्रेन की पटरी के बाजू में जो रोड है। हाँ हाँ हमें उस रोड पे जाना होगा। हाँ हमें हमें जल्दी वहाँ जाना होगा राजू, जल्दी वहाँ जाना। हाँ जाएंगे मीना, हम लोग वहाँ जाएंगे तुम्हारे शैतान ड्रैकुला के पास। हाँ राजू तुम जल्दी से कार निकालो, हम उसे ढूंढने जा रहे हैं। सूर्यमूर्ति कहाँ? अंकल पूजा के कमरे में गए। हाँ बेनी सूर्यमूर्ति के साथ तुम यहीं पर रहना। ओके लेट्स गो। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि अब हम क्या करेंगे डॉक्टर। हमें कदम कदम पर खतरे का सामना करना होगा। वैम्पायर में बदलने वाली मीना को हर हाल में बचाना होगा। अभी 3 बज रहे हैं। जैसा कि मैं सोच रहा हूँ अगर इन 2 घंटों में उसका अंत नहीं किया गया तो उसके ब्लड में मैक्सिमम इन्फेक्शन हो जाएगा डॉक्टर, और फिर हमें मीना को खोना ही पड़ेगा। 5:30 बजे सूर्योदय होता है और सूर्योदय के बाद वो कहीं भी छुप सकता है। सूर्य की किरणें जैसे ही उस पर पड़ेंगी वो मर जाएगा। राजू हाँ और तेज चलाओ। हाँ स्टॉप। अरे स्टॉप, ये कौन है? स्टॉप, हे रुक जाओ। कहाँ जा रहे हो? मेरे मास्टर के प्रिंसेस को लेकर कहाँ जा रहे हो? उसे यही उतार दो। ओ द किंग ऑफ डार्कनेस, ये सुंदरी जो अभी इंसान है बहुत जल्द ही ये भी एक वैम्पायर बन जाएगी और मेरे दिल को सुकून पहुंचेगा। तुम अपने सपनों की रानी को बिना मौत की दुनिया में ले जा रहे हो तो अपने इस सेवक को भी ले चलो मास्टर। कितने सालों से तुम मुझे ये वादा करते आ रहे हो। कौन हो तुम? हाँ मैं अपने मास्टर का सेवक हूँ। उनकी राजकुमारी को यहाँ इज्जत से छोड़कर चले जाओ।
आनंद सागर में गोता लगाने के लिए, तभी मेरे दिल को सुख और शांति मिलेगी। चुपचाप सामने से हट जा, वरना जान से मार दूंगा। छोड़ो मुझे। रात के अंधेरे को चीर कर वो यहाँ पहुँचेगा। उसके रास्ते में खून के फूल बिखरे हुए होंगे। हाँ, मेरे मास्टर अपनी प्रेमिका को खून का फूल भेंट करेंगे। तुम्हें पता है ना, तुम जैसे बच्चे ये नहीं समझ पाएंगे, वो तुम्हारी प्रेमिका नहीं है, मेरे मास्टर की प्रेमिका है। तो राजू रुको, डॉक्टर रुको। मैं इसे जानता हूँ, इसके बारे में सुना भी है। ये आदमी पागल नहीं हो सकता। कैरी ऑन। जल्दी चलो राजू, उस पागल और ड्रैकुला ने हमारे साथ चाल चली है। मुझे लगता है वो मीना को उसी जगह ले गया होगा। आई थिंक सो। You know I'm song. Yarmayan thor. सूर्यमूर्ति ने जो तुम्हें शक्ति दी है उसका इस्तेमाल करो। ताबीज है ना तुम्हारे पास, उससे तुम्हें कामयाबी मिलेगी। कम ऑन राजू, जाओ। वो कोई दूसरा रूप लेने की कोशिश कर रहा है, वो कामयाब ना होने पाए। राजू तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, सूर्यमूर्ति की दी हुई शक्ति काम कर रही है, उसे खत्म कर दो राजू। हमारे पास सिर्फ 15 मिनट का समय है, नहीं तो मीना को मारकर यहीं गाड़ देना होगा। राजू जल्दी करो। से जल्दी खत्म करो, वक्त बीत रहा है। मीना, मेरी बात सुनो, रुको। Ah!
मैंने कहा था ना, सूर्योदय होते ही वो यहां से भाग जाएगा और 5-6 मिनट में ही ये वैम्पायर में बदल जाएगी। अब हम क्या करेंगे डॉक्टर? कुछ भी नहीं रहा करने को। मालिक को पकड़ना तुम्हारे बस का नहीं है, तुम्हारे बस का नहीं है। बोल बोल, वो ड्रैकुला कहाँ छुपा है? मेरा मन कह रहा है कि तुम्हें नहीं बताऊं। बोल, तुझे आग से डर लगता है मुझे पता है। जल्दी बोल, नहीं तो जलाकर राख कर दूंगा। जल्दी बता वो कहाँ है। बोल नहीं तो तू जलता हुआ नजर आएगा। बोल बोल, कहाँ है वो ड्रैकुला? बताता है कि नहीं, बता। बोल, अरे बाप रे, राजू चलो जल्दी जल्दी, राजू खोलो इसे, धक्का लगाओ, इसको छोड़ो, उसको देखते आओ जल्दी। अब वो वाला जल्दी जल्दी जल्दी, उधर उस तरह, हाँ हाँ, ये धक्का दो, चलो। राजू संभल के, जो कि वो भाग गया, वो वापस जरूर आएगा और मैं भी। मीना, तुम बहुत भाग्यशाली हो और तुम भी।